अस्सलाम वालेकुम आरबीएस बिजनेस एक्टिविटी में तहां सुनने की भरी कार चवा को काफी अरसो का वीडियो मा अपलोड कोन कर सकियो उनजे पर सबब हो उन सबब यो आ त आ बिजी हु में एक ऑनलाइन कोर्स में जो को स्मार्ट पीलिस ते को ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो एंड जो को हम कर रहे हम स्मार्ट पीलिस एकेडमी तरफ ये स्मार्ट पीलिस एकेडमी जो का हैम्बर्ग जब प्रोफेसर एंड हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी जब देखे ही ऑनलाइन स्मार्ट पीलिस एकेडमी हला रहे हैं वो ही देखे से ही जो का कोर्स आप और पहले तो इन वाले में काफी बिजी हूं मैं तकरीबन 3 हफ्ता का लगी भी इन पूरे कोर्स के समझ में आए कि जो वो वायवा एग्जाम वो पास करने में अल्हम्दुलिल्लाह वो पास थी वाए एंड हाँ मां वो पीलिस एकेडमी सर्टिफाइड जो का इंस्ट्रक्टर आया तो इन हवाले का ये सोचूं तो काफी देखिए दोस्त भी गाल के भाई स्मार्ट पीएलएस पे जो का एकड़ी जो को सीरीज आ लेक्चर ठाई बने तो इन हवाले का या जरूरत महसूस कर दी मां आज ही पहलो लेक्चर जो का स्मार्ट पीएलएस पे जो का वो अपलोड करे होता हुआ है हेद में आम स्मार्ट पीएलएस की डिस्कस कौन करना सो पहले मां डिस्कस करना द इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्ड इक्वेशन मॉडलिंग जो स्मार्ट पीएलएस जेन शेदी कम पर वो आसान है स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग जो ना तो यह स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग आहेशा इनकी की समझिए यो काफी अहम आए जो इन का आदमी जो सा स्मार्ट पीलिस के डिस्कस के हूं उन्हें मुख्य के ऑप्शन के समझो बेहतर यो रंग सा इंट्रोडक्शन वठो स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग जो मेरा डॉक्टर रेमर सुमरा ए माशा बुद्दीन से कालो पर का दो अच्छो द पाजी स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग की समझो ही जो का पहलो लेक्चर आए ही का पूरी जो का सीरीज आए हुआ सिंधी में ये सही सीरीज मुझे अंग्रेजी जबान में भी आए देखिए दोस्त सिंधी में बेहतर महसूस करता सिंधी में बोझा देखिए दोस्त अंग्रेजी में बेहतर महसूस करता अंग्रेजी में बोझी बटर ही मुझे सर्टिफिकेट आए जो को सक्सेसफुली मां कामयाबी सा ही जो को कोर्स पूरो कयो त इन में टोटल 9 मॉड्यूल आए देखिए मां वो पढ़या इन का को ही को सर्टिफिकेट मुके उन के भी तरफ ऑनलाइन मुके मिलियो ही आई भी ऑनलाइन एकेडमी स्मार्ट पीरियड जिते बनी करे ता लेकिन चेक आउट कर सको ता ही की पेंडो वेब एड्रेस आहे इन जी ही मुख्य प्रोग्राम में जेकी वो ऑफर कर था। अच्छा दोस्तों हाने असा जदी गाल क्यों ता स्टैटिस्टिक टेक्निक जी स्टैटिस्टिक टेक्निक के सा भी तोड़ते बिन जनरेशन में सा तक चिन गयो था। नंबर 1 आहे ता फर्स्ट जनरेशन टेक्निक जेकी 1980 हो उन का पो जो का सेकंड जनरेशन टेक्निक जेकी 1990 का आहे और फर्स्ट जनरेशन टेक्निक में कई शी हुई उनमें जो कम पुराण जो कम उत्पादन में तोड़ते वो एक्सप्लेनेटरी कम हुए आसान में मल्टीपल रेगुलेशन लॉजिस्टिक रेगुलेशन एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस क्लस्टर एनालिसिस एक्सप्लोटिव फैक्टर एंड मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग इन हवाले का मुझे की सीरीज आहे एसपीसीस ते मुनासिब समझो तो तहां उते बनी करे इन जो ता वो रिमोटी सको था उन का पो उन में सेकंड जनरेशन का अचीव उन में असा ये चीज में पीएलएस सेम यानी पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग सो इतने भी स्ट्रक्चर मॉडलिंग अच्छी रहे ते लाजमी समझो अस तो इंट्रोडक्शन वो स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग ए देखा को अस पीएलएस तरफ पढ़ता से आ उन का को जेनी ता जो मकसद आए कंफर्मेटरी ता अस सीबी से यानी को वेरियस बेस्ड स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग असल में अस ते इक्वेशन मॉडलिंग के अस बिन सेंटर थिन बनाओ इकली आए अस वेरियस बेस्ड लेके डील करवा पीएलएस एंड जो भी आए को वेरियस बेस्ड के सा डील कर जाए एमओस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये नबी ते गाल बोल थी द पीएलएस सेम एंड द सीबी सेम शायद इनमें कोई फर्क आए एंड केड़ी सूरत हाल में ऐसा केड़ी जो का और टेक्निक इस्तेमाल सो जो पीएलएस ये ऐसा जो वेरियस बेस्ड का इक्वेशन मॉडलिंग आए उन्हें ला मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर सा है इन वीडियो में आखिर में उनकी भी गाल बोल गई है एंड के सी बी सेम एंड को वेरियस स्टैटिक इक्वेशन मॉडलिंग के साथ उन जरा भी धार की पूरी सीरीज आए सॉफ्टवेयर सी द ऐसा उन में द इंशाल्लाह में अगली वीडियो में तहां इन भी में फर्क मस जो का और इस नोट अंदर बाद भी फर्क महसूस होगा तब भी में क्यों फर्क है सी बी सेम आ उन का को ही जिक कंपैरिजन करने वास्ते में डील विद द ऑब्जर्व वेरिएबल असम के वीडियो ते ब के वेरिएबल है को ऑब्जर्वड है एक को अनऑब्जर्वड है हाँ ऑब्जर्व जिका वेरिएबल उसे असी ऑब्जर्व कैसे मिसाल इन्फ्लेशन है मुख्तलिफ प्राइस एज है ये जो भी फैक्टर ये ऑब्जर्व वेरिएबल चूं था सेकंड जनरेशन में डील्स विद ऑब्जर्व वेरिएबल अलावा अनऑब्जर्व यानी लेटेंट वेरिएबल एल वी लेटेंट वेरिएबल की गाल करें
विंकोर जैसा साउंड ऑब्जर्व इन अनऑब्जर्व यानी अनऑब्जर्व के ऐसा अदर टर्म जो को सा यूज वो सम लिटिल वेरिएबल की चाहूं था त अगी देखा फर्स्ट जनरेशन हुई ऐसा सिर्फ जो ऑब्जर्व वेरिएबल की डील के हूं प्या एंड सेकंड जनरेशन सॉफ्टवेयर में ऐसा ऑब्जर्व इन अनऑब्जर्व यानी लिटिल वेरिएबल मिनी की डील कर था मुझे अगली वीडियो लिटिल वेरिएबल पे भी आए त जब में लिटिल वेरिएबल पूरा कांसेप्ट अच्छे तो लिटिल वेरिएबल आए सा एंड मिनी की डील का चेंज हो उनका वो आहिन में रन मॉडल साइमल्टेनियसली यानी असा सेकंड जनरेशन में जो को भी बिल्कुल मॉडल असा जो को भी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल हो जे केतरो भी हो जे इन में केतरा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जन केतरा भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो जन उन का वो मेडिएशन बिटवीन मेडिएशन हो जे या वो मॉडरेटर आ ये सब अप्लाई के उन का वो भी असाइमल्ट एक ही वक्त में असा यू से जो कम क्यों असा ने के यानी रन द मॉडल साइमल्टेनियसली जेका असा सेकंड जनरेशन टेक्निक में कैसे होता अच्छा फर्स्ट जनरेशन टेक्निक में वरी असान जो मसलो यू आर असान पूरी वेरिएबल हो तो आए जो को डिपेंडेंट एंड सा उन में बट इवन वेरिएबल असान एट कौन था कर सको पर साइमल्टेनियसली इन सेकंड जनरेशन टेक्निक में जो असान कोर सारा वेरिएबल भी असान में एट कर सको था हाने आहे द डेफिनेशन शाय असान स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग के की डिफाइन कर जे इन हवाले का एकली कुछ टे चार वीडियोस आहिन जो टे चार स्लाइड्स आहिन जेको जो पहिरीं स्लाइड आहे हिन में चयो त स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग इज अ विदाउट क्वेश्चन यानी को भी जो सवाल या नाहे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथोडोलॉजी ये अॼुकल्ह तमामु घणी पॉपुलर आहे ऐं वाकई खोड़ सारा जेके रिसर्च पेपर अॼुकल्ह हिते लिखिया वञनि था स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग जी मदद सां ऐं ख़ासि तौर ते वरी हिन में बस सॉफ्टवेयर हिकिड़ो एमओस आहे ऐं हिकिड़ो स्मार्ट पीएलएस आहे जेके मोस्ट पॉपुलर आहे या भी कोड सॉफ्टवेयर आहिनि पर मोस्ट पॉपुलर जेके सॉफ्टवेयर आहिनि वो स्मार्ट पीएलएस ऐं द एमओस आहे ॿई जेके इक्वेशन मॉडलिंग खे डील कनि था ठीकु आहे उन खां पोइ आहे मोस्ट इन द क्वालिटेटिव सोशल साइंसिस हाणे असां वटि जेके से क्वालिटेटिव बि जेके ॾिसे डिज़ाइन असांजो आहिनि सोशल साइंसिस में ऐं क्वांटिटेटिव बि आहिनि त क्वांटिटेटिव हवाले खां ही जेका स्ट्रिक्ट इक्वेशन मॉडलिंग उहो तमामु घणी पॉपुलर आहे ऐं तंहिंखां पोइ आहे त स्ट्रिक्ट इक्वेशन मॉडलिंग इज़ अ पावरफुल मल्टीवेरिएट ही हिकिड़ी मल्टीवेरिएट टेक्निक आहे जंहिंमें हिकु ई वक़्त में खोड़ सारा वेरिएबल या असांखे ज़हन में रखणु घुरिजे त असां वटि जेके वेरिएबल आहिनि उहो या त असां वटि यूनिवेरिएट आहे यानी हिकिड़ो वेरिएबल बायवेरिएट यानी ॿ या मल्टीवेरिएट अॼुकल्ह घणो कमु जेको आहे उहो मल्टीवेरिएट ते कमु थी रहियो आहे तो इन करे स्ट्रक्चर मॉडलिंग जेका हिकिड़ी पावरफुल टूल आहे जेका तव्हांजी मल्टीवेरिएट जेके डेटा खे एनालाइज करे सघे जंहिंमें खोड़ सारा वेरिएबल हुजनि ऐं इंक्रीसिंगली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टू टेस्ट एंड एवोल्यूट द मल्टीवेरिएट कॉज़ल रिलेशनशिप यानी मुख़्तलिफ़ जेके रिलेशनशिप आहिनि मल्टीवेरिएट मॉडल में उनखे टेस्ट करण जे लाइ असां वटि जेका पावरफुल जेका टेक्निक आहे उहा असांजी आहे स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग अच्छा तंहिंखां पोइ स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग इज़ एन एडवांस टेक्निक इन एबल रिसर्चर टू असेस अ कॉम्प्लेक्स मॉडल एंड दैट हैज़ मेनी रिलेशनशिप यानी खोड़ सा रिलेशनशिप थी सघनि था उन सभिनी खे हू एट सेम टाइम जेको आहे उनखे हू भई करे सघे थी परफॉर्म कंफर्मेटरी फैक्टरलाइसिस उहो बि कमु करे सघे यानी ॾिसो इन में ॿ फ़र्क़ु आहे हिकिड़ो ई एफ आहे एक्सपर्टिव फैक्टरलाइसिस ॿियो कंफर्मेटरी फैक्टरलाइसिस हाणे जेको तव्हांजो एसपीसी सॉफ्टवेयर आहे जेको फर्स्ट जनरेशन जो सॉफ्टवेयर आहे उहो कंफर्मेटरी फैक्टरलाइसिस कोन थो उहो जेको आहे उनखे नथो रन करे सघे हा ई एफ यानी एक्सपर्टिव फैक्टरलाइसिस खे सही तरीक़े सां रन करे सघे थो पोइ उहो लिमिटेशन हुजण जे करे असां जेको आहे स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग जेका उन तरफ़ माण्हू अॼुकल्ह कमु कनि था हैंडक्राफ्टेड बोथ अनऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व यानी ॿिन्ही खे हू जेको आहे स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग साइमल्टेनियसली हिकु ई वक़्त में केतिरा ई तव्हां अनऑब्जर्व या ऑब्जर्वेबल ॿिन्ही खे हू जेको आहे डील प्रॉपर करे सघे थो हिन खां वधीक जो आहे त स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग इज़ अ सेट टेक्निक दैट अलाउज़ रिसर्चर टू मेक द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आइटम हाणे हिन में असांजो हिकिड़ो बहितर कमु इहो आहे त हिकु हिकु आइटम जेको तव्हांजे तव्हांजे क्वेश्चनर में जेको तव्हां ॾिसी रहिया आहियो उन में हिकु हिकु आइटम जो कंट्रीब्यूशन बि करे थो ऐं हालांकि छा थींदो आहे त असां जॾहिं जेको एसपीसीस में वेंदा आहियूं त असां एसपीसीस में तव्हांखे यादि हूंदो जेकॾहिं तव्हां थी ॾिठी हुजे त असां हुन में कंप्लीट वेरिएबल जे लाइ असां हिकिड़ो नओं वेरिएबल क्रिएट कंदा आहियूं जंहिंमें असां छा कंदा आहियूं उहो हिकिड़े कंस्ट्रक्ट में जेतिरा बि आइटम असां उन सॼी जेको आहे मीन वठी करे असां हिकिड़ो नओं वेरिएबल कंप्लीट कंदा आहियूं ऐं पोइ जेको आहे उन जो मुख़्तलिफ़ वेरिएबल जेके असां कढियासीं हर हिकु कंस्ट्रक्ट जा
उन जो पाण में इम्पैक्ट ॾिसंदा या उनखे रिग्रेस कंदा आहियूं डिपेंडेंट वेरिएबल खे डिपेंडेंट वेरिएबल सां इन खां पोइ असांखे रिज़ल्ट मिलंदा आहिनि पर हिन इक्वेशन मॉडलिंग में असांजो जेको आहे उहो आहे त कंट्रीब्यूशन की छा आहे हर आइटम जो कंट्रीब्यूशन हुते हर आइटम कंट्रीब्यूशन चेक कोन थींदो आहे इवन हर कंस्ट्रक्ट जो जेको आहे चेक थींदो आहे जंहिंमें असां एवरेज वठंदा उन सभिनी आइटम जी इन एक्सप्लेनिंग द वेरियंस विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रेगुलेशन जी अॻ में ॻाल्हि इहो जेको आहे हर हिकु आइटम जो जेको इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन आहे चेक था करे सघूं रेगुलेशन में जंहिंजे करे असांखे ज़रूरत पई त असां स्ट्रिक्ट इक्वेशन मॉडलिंग तरफ़ अचूं इन खां अलावा सेम स्ट्रिक्ट इक्वेशन मॉडलिंग इन माई रिलेशनशिप बिटवीन द कंस्ट्रक्ट इंटरेस्ट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर लेवल यानी हीअ असांजी फर्स्ट ऑर्डर लेवल आहे जंहिंमें असां हिन सभिनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो असां इम्पैक्ट ॾिसूं डिपेंडेंट वेरिएबल ते ऐं तंहिंखां पोइ हीअ असांजो आहे सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर असां चऊं था त हाणे हिन में स्ट्रिक्ट मॉडलिंग में असां फर्स्ट ऑर्डर या लोअर ऑर्डर या हाई ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर जे बि असां चेक करे सघूं था उनजो इम्पैक्ट हुन जे मथां तंहिंखां पोइ आहे त स्ट्रिक्ट इक्वेशन मॉडलिंग ब्रिंग टुगेदर कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर एनालिसिस एंड द मल्टीपल रेगुलेशन यानी हिन में ॿ फैक्टर हिकिड़ो फैक्टर एनालिसिस जो आहे ऐं ॿियो मल्टीपल रेगुलेशन जो हिन में जेको आहे उहो कंसिस्ट ॿिन्ही जा गॾु आहे to simultaneously examine the or direct indirect effect of the independent variables and the dependent variables yani in the main jo characteristic factor analysis to be ahe and the multiple regression bhi mein kando ta jin jin kate simultaneously direct indirect effect direct effect you ahe ta jin mein asa independent variable dependent variable pata asa iso indirect jo effect ahe asa उहो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल जे मथां इम्पैक्ट ॾिसंदा आहियूं पर थ्रू अ मेडिएटर जे हिते तव्हां ॾिसी रहिया आहियो ही त हिते तव्हांखे नज़र आयो आहे त असां डायरेक्ट बि असां उनखे मेयर कयूं था इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इम्पैक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल ऐं असां मेडिटी थ्रू बि असां उनजो इम्पैक्ट ॾिए कयूं था मेडिटी थ्रू जेके आहिनि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर मेडिटी ज़रिए सां त इहो असांजो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट थियो त यानी तव्हांजो इक्वेशन मॉडलिंग में जेको आहे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इन ई इफेक्ट खे असां मयर करे सघूं था ऐं स्पीसीस में बि मसइलो इहो आहे त असां उनखे डायरेक्टली मयर कोन था मां डायरेक्ट मयर करे सघूं था पर उन में जेको आहे इनडायरेक्टली मयर करणु ॾाढो ॾुखियो आहे हिन वक़्तु प्रोफेसर हाइस उन हिकिड़ो नेचुरल नाले सां हिकिड़ो एड्स ऑन जेको आहे उहो क्रिएट कयो उहो तव्हां पंहिंजे स्पीसीस में डाउनलोड करे इंस्टॉल कंदव त उन सां पोइ तव्हां उन में मेडिएशन बि करे सघो था पर उहो मेडिएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आहे जेके तव्हां उहा मेडिएशन इनडायरेक्ट इफेक्ट तव्हां स्मार्ट पीरियड्स में या एमोस में ॾाढो आसानी सां करे सघो था एसपीसीस में काफ़ी ॾुखियो आहे उहो इन करे इहा बि हिकु लिमिटेशन आहे जंहिं तरह जंहिं करे माण्हू फर्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर खां निकिरी करे सेकेंड जनरेशन जे सॉफ्टवेयर में कमु करे रहिया आहिनि वेरेस जॾहिं त फर्स्ट जनरेशन स्टैटिस्टिकल टूल्स विच इंक्लूड टेक्निक्स अनोवा लीनियर रिग्रेशन फैक्टर अनोवा मल्टीवेरिएट एनालिसिस can examine only single relationship at a single point of time the eu fark hai simultaneously ikde waqt mein ikko dependent variable hundo ai ketra independent variable hota ya ikde waqt mein dependent variable ikko hi hundo ene ki asa single relationship chau tha par hin mathe mein jo asa simultaneously ke relationship ta check kar sako tha unda ka po partially square jo pa asa jo analysis the alternative to the ols regression ordinary least square canonical correlation and covariance de ke sanjo best statistical modeling in the jo ko sto demal badal hai ta jo partial least square ye agme shuru mein mubal ke asa mar bhi jodte bil ke samay statistical equation modeling ka system hai to ko hai variance based ek ko covariance based to partial least square ko variance based jo ko software hai in kare the कोवेरियंस त अची वई आहे पर वेरियंस बेस कोन थी अचे त हाणे इहो सुठो अल्टरनेटिव आहे इनफैक्ट पीएलएस इज़ अ कंपोज़िट बेस्ड सेम जेके असां कंपोज़िट बेस्ड मॉडलिंग चऊं था हिकिड़ो प्रॉपर अजा टर्म आहे या कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रिक्ट इक्वेशन मॉडलिंग या असां वेरियंस बेस जी अॻिमें ॻाल्हि कई त उहो बि हिनजी टई मुख़्तलिफ़ नाला आहिनि तव्हांजा स्मार्ट पीएलएस जा इन कंट्रास्ट टू कोवेरियंस बेस्ड ठीकु आहे हाणे मां वरी बि इहा ॻाल्हि ॿुधायो त वेरियंस बेस्ड ऐंड कोवेरियंस बेस्ड में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे इहा अॻिली जेका वीडियो आहे उन में इहो डिस्कस थियलु आहे उन खां पोइ असांजो आहे त स्मार्ट पीरियड्स
and the partial least square can relate the set of independent variable to the multiple dependent variable response yani asan jo dependent variable ke sath response variable ke jo ko relate kare to independent variables ke dependent variables sa theek hai I view I PLS can handle many independent variables ketra independent variable yes especially for sar independent variable ahen and when the and even predictors display multiple yani you lot of zabardast fayda ahe jeki multicollinearity jo bhi ahe ta ko bhi maslo kane hin software je lai ta bhale multicollinearity bhi hoje tahan je independent variable je vich mein tadhe bhi hi software unki proper tarike sa manage kare pade to halanki ye hatama badi limitation aaye spss mein jata un lazmi aaye ta tahan je independent variable mein wo khas yani 0.8 ya 0.9 ka vadhik correlation point mein na hoje lekin ho to ye multicollinearity thi mein ki agency sa जी रिजल्ट से कितना होगा वो इन बड़े रिजल्ट होगा तहां जे एसपीसीएस में पर हते स्ट्रिक्टली इक्वेशन मॉडलिंग में यानी खास होते स्मार्ट पीएलएस में यो को इशू बोली न चला एक खास होते जरी संगाल कम सा स्मार्ट पीएलएस देखो नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक है ता उने ते मल्टी कोनेटी अन्या कोला को मसलो को यानी मल्टी कोनेटी बारो इशू भी सानो हल थियो इन द सेकंड जनरेशन सॉफ्टवेयर में उन का पॉइंट पीएलएस मे बी इंप्लीमेंटेड एज अ रेगुलेशन मॉडल देखिए सारे रेगुलेशन मॉडल तो भी सामने की इस्तेमाल कर सकूंगा प्रेडिक्टिंग वन आर मोर डिपेंडेंट ठीक है एक वधिक डिपेंडेंट सेट ऑफ द मोर इंडिपेंडेंट यानी असा इस रेगुलेशन मॉडल तो भी सामने की इस्तेमाल कर सकूंगा जो अगली बार आई थी इस इक्वेशन मॉडलिंग का कैरेक्टरिस्टिक में रेगुलेशन एंड एक्सपोर्टिव फैक्टर भी नहीं जा देखे कर सकते हैं बची पे तो ये खड़ी चौ तो ही को जदीद जो अंदाज आए रेगुलेशन जो के रन करने जो तो हन में असा कोड सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कोड सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो पान में जो रिलेशनशिप वो चेक कर सकता या इट कैन बी इंप्लीमेंटेड इज अ बोथ पाथ मॉडल इसा पाथ मॉडल या जो का उन का हैंडलिंग कैजुअल पाथ्स रिलेटेड टू द predictor as well as the path relating to the predictor to the response variable and predictor as a independent variable ki chota and response as a dependent variable ki chota gal mati sahi thi ki mene the dependent variable and independent variable mein ho ki bina ki ho predict kar sake to and path model jo as a path model ta is so behtri si raha hai ye ki mukhtar jo model ta ke result hai jo and in the jo error aaye जो को डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल तरफ बनी रहे हुआ है इको इको यू एरो आ यू और सारी ग्रुप पाथ है यानी ही को मुकम्मल को वेरी मॉडल का आंसर यू ग्रुप पाथ मॉडल है जे में मुख्तलिफ पाथ दे लें यानी देखो एरो जो का वो डिपेंडेंट वेरिएबल के खा बनी तो डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ यू ग्रुप पाथ है इने के साने की पाथ वेरिएबल चौथा इने का अलावा पीएलएस इज इंप्लीमेंटेड इज अ रेगुलेशन मॉडल बाय स्पीशीज बाय सास आ process PLS you will PLS implemented as a regression model bhi tha it's an ki kam kar sako tha jo ko san sas mein bhi asan ko process macro download ke san kam kar sako aina ka poi jeke mukhtalif jeke asan wa two approaches jeke dar me hali tak covariance based and variance based ye mukhtalif software hai jeke statistical equation modeling ke deal kar tha je bhi tha statistical equation modeling run kar sako tha ida bar ka gal hali thi tak covariance jeke se ur keda ahe को वेरिएंस जेके सॉफ्टवेयर असन जा आइन जेके वो सने पेजो जो को इक्यूबस आहे जो को सने कोवेरिएंस जेके नके कम करे तो एमोस तमाम खण पॉपुलर आए जो को भी कोवेरिएंस बेस्ड सॉफ्टवेयर आए जेके वो सने सी भी सेम जो को सॉफ्टवेयर आए कोवेरिएंस बेस्ड स्ट्रिक्ट इक्वेशन मॉडलिंग की तरह के रन करनी आए तो को असन एमोस पे भी दा से या असन लिसलर में जीप डाटा पॉपुलर आए स्टेट सॉफ्ट ही एम प्लस बी डाउस पॉपुलर सॉफ्टवेयर आए ओनेक्स ही भी आए इन का स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग में एक पैकेज जो लिवान पैकेज जो होते था इसी द लिवान पैकेज इनमें भी असा जो का यू कम कर सब होता यानी ही के प्रेस सॉफ्टवेयर एम प्लस आईबीएम स्पेशल स्पेस एमोस लिस्टर एंड ही इज आर ये डाटा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है खास होते कोवेरियस बेस्ट देखा स्ट्रक्चर मॉडलिंग असा इनमें किन कर सब था अच्छा और ही बैच के सॉफ्टवेयर इस सब पेड है ही जो इस आ रहा है ये मुकम्मल तौर पे फ्री आए जे में तमाम लिमोन पैकेज डाउनलोड करे ए तहा इन में स्टैटिक इक्वेशन मॉडलिंग रन कर सको होता तो पर मसलो ये बात एक को जीयू आई ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ना है इनमें हिम शायद अक्सर का पे जो का कोड जाना पड़े तो कोड बेस से ताकि रिजल्ट मिलता है
मुझे कोविंद इन सां इंटरेक्शन कोई रहे पर मुझे समझ आए इन हवाले का तो ही ग्रुप कोड बेस जो बात सॉफ्टवेयर जिसमें हर शेला ताई कोड उन पे तो पर के तहा आई एमोस लिजर एम्प्रेस पे तहा के घणो जो वो तहा के बिल्कुल मेन्यू आ टिक का तो डिसर्व जी जी स्पेसिस तहा कर आया तो में मेन्यू होया आई जो बात जो घणो मु कम के वा वो आईपी स्पेसिस पे के वा इस एमोस में एमोस में यू आई है बस मेन्यू से ना रहे में क्लिक कर दो टिक कर दो तो वो जो पार्टिकुलर का बिता तो था वारंट थी भी ही उन का पंजो वेबसाइट वेब एड्रेस डिजाइन का बदी का मनास समझो तो ता एक खोली कर नी जीवन की डिटेल बटी सब था और का को ही असन जो आ है को वेरियस बेस्ड यानी जिके सा वेरियस बेस्ड सॉफ्टवेयर जो था से भी सब का बदी के पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो आजकल हले दो वो स्मार्ट पीएस है यही सब है जो मांगे स्मार्ट पीएस से ही वीडियो सीरीज छाए रहे हो हैं उन का अलावा PLS GUI आए PLS Grok आए Bard Plus PLSI Visual PLSI Jessica ऐड को आए उन का एडान को ही मुख्तलिफ के सॉफ्टवेयर आए देखिए कम करना है तहां दी वेरियस बेस्ड स्टैटिकल इक्वेशन मॉडलिंग पे उम्मीद क्या तो ही ता के काम पर समझ में आई हो उन का वो इन वीडियोस के ठहन ला ही ट्रिक किताब देखिए मार रेफर किया है ही जो किताब वो भी देखिए साजा मशहूर जो जो आथर है उन किताब है आई प्रीमियर ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर जे को लिखल है जोसेफ एफ हेयर जी तहां क्वांटिटेटिव साइड पढ़ंदा तो तहां जोसेफ जो तमाम बेहतरीन मशहूर किताब है जो को तहां इमेज पी सी रहा हो मल्टी वेरिएट एनालिसिस बाय हेयर एक तमाम घणो मशहूर पूरी दुनिया में किताब है जो को है एंड हाने इन जोसेफ हेयर प्रोफेसर जोसेफ हेयर जो कंट्रीब्यूशन इन में आई इन का को आई क्रिस्टीन रिंगल ही तमाम मशहूर प्रोफेसर आए जर्मनी में हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में एंड मार्क सार्डेस्ट ही बा लेकिन ये देखिए नहीं तोड़ते इन पॉइंट को किरदार आए स्मार्ट पीजेस के अपने आने में भी प्रोफेसर जो तमाम बड़ो किरदार है एंड का पो लेकिन एडवांस लेवल भी तो तब ही आए सारी किताब जो को इन का अधिक एडवांस आए एंड का पो ही जनरल किताब आए जो को इन जो स्मार्ट पीजेस पे पार्शियल डिस्ट्रिक्ट स्क्वायर पे किताब लिखे लाए देखिए तहां चलो त मा ता के इनको सॉफ्ट कॉपी भी दे सका तो तहां जस्ट वो की ईमेल पे ता ईमेल मोकली तो तमाई की तोर से तमा की मोकल सकस आखिर में ताई मेहरबानी ता ने वीडियो के आप इतने ठो मुझे कोशिश है वीडियो के नडन रुक कर ठाए के तजिए ता प्लीज का एक नडे कौन से की वीडियो टीम ने ता जल्दी भी ता गाल संजी भी वंजो जल्दी भी ता वाली वीडियो दे मने उम्मीद है तो ता ने वीडियो का कांसेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह वरी एक नई वीडियो में जल्द हम सब मुलाकात होगी इस टाइम अल्लाह हाफिज़।